कारंजा तहसील व शहर भारतीय जनता पार्टी महिला आघाड़ी पदाधिकारी एवं सदस्य इन्होंने विधायक दादाराव केचे के मार्गदर्शन में महाविकास आघाड़ी के सरकार कार्यकाल में महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार के निषेध में निषेध फलक दर्शाते हुए तहसील कार्यालय पर मोर्चा निकालकर तहसीलदार कारंजा को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उल्लेख है कि महिला सुरक्षा के संदर्भ में कड़े कानून बनाकर सुरक्षा प्रदान करें। महाविकास आघाड़ी सरकार के कार्यकाल में महाराष्ट्र में महिला सुरक्षा गंभीर प्रश्न उभर कर सामने आया है। महाराष्ट्र में बहुत से जगह पर बलात्कार, अत्याचार, विनय भंग और हत्याओं के मामलों का सत्र शुरू है। कोरोना महामारी कार्यकाल में कोविड-19 सेंटर हॉस्पिटल में महिलाओं पर अत्याचार और विनय भंग के मामले सामने आ रहे हैं। इस बारे में भाजपा महिला मोर्चा महाराष्ट्र प्रदेश की ओर से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इन्हें इस बात से अवगत कराया गया है। यह बात सामने लाने पर मुख्यमंत्री ने इस बात पर मुख्यमंत्री की ओर से नो रिस्पॉन्स होने के कारण इस पर से महाविकास आघाड़ी सरकार महिला अत्याचार के प्रति असंवेदनशील और निष्क्रिय है। इसका प्रशासन पर किसी भी तरह का असर नहीं दिखाई दे रहा, जिस वजह से प्रशासन की तरफ से इस घटना को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा, ऐसा मुख्यमंत्री को भेजे गए निवेदन में कहा गया है। इस समय जिला परिषद अध्यक्षा सरिता गाखरे के साथ ही पूर्व जिला परिषद सदस्य नीता गजाम, रेवता धोटे, पंचायत समिति सदस्य रोशनी ढोबाले, टिपले बागड़े, नगर सेविका नीता काकड़े, इनके साथ ही अन्य भारतीय जनता पार्टी महिला आघाड़ी के पदाधिकारी व सदस्य बड़े मात्रा में उपस्थित थी। NBC न्यूज के लिए कारंजा घाटगे से रुपेश मस्के की रिपोर्ट।